हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 8, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। प्रीवियसली वी हैव अपलोडेड पार्ट 1, यू मे चेक फ्रॉम द प्लेलिस्ट एंड इवन आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट अस कंटिन्यू। द केप ऑफ गुड होप सी रूट, इट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीका। ये इन दोनों को जोड़ता है विद, और कहां से, ब्राजील, अर्जेंटीना, अर्जे इन साउथ अमेरिका। द ट्रैफिक इज फार लेस कंपेयर टू द नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक रूट के मुकाबले यहाँ ट्रैफिक कम होता है बिकॉज ऑफ द लेस डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, क्योंकि इन दोनों इलाकों में पॉपुलेशन का इतना ज्यादा विकास नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है, बहुत कम होता है। साउथ ईस्टर्न ब्राजील, प्लाटा, स्ट्रे एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इन इलाकों में तो बड़ी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट बिटवीन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील एंड केप टाउन बिकॉज बोथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज, इसलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है मतलब सी रूट में। द डायरेक्ट रूट ऑन द ग्रेट सर्कल नॉर्थ अमेरिका लिंक वैनकोवर एंड योकोहामा एंड रिड्यूस द ट्रेवलिंग डिस्टेंस 2480 किलोमीटर से, उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है लगभग ये वाला रास्ता। द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, द सी रूट लिंक्स द पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया, से इसे जोड़ता है। वैनकोवर, सेटल्ड, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस ऑन द अमेरिकन साइड, उस साइड ये है, और इस साइड क्या है, एशिया की साइड, योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग एंड मानिला, एंड ये एशिया के इलाके हैं जहां से इसको ये जोड़ता है। सिंगापुर ऑन द एशियन साइड। द साउथ पैसिफिक सी रूट, द सी रूट कनेक्ट, अब ये जो वाला रास्ता है ये किसको जोड़ता है, वेस्टर्न यूरोप। ये देखिए याद करने की चीजें हैं तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। द सी रूट कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। दिस रूट इज ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, जाने के लिए भी इस रास्ते का उपयोग किया जाता है। होनोलुलु इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, और ये होनोलुलु इम्पोर्टेंट बंदर का है इस रास्ते के ऊपर, यहां से मतलब मेन कनेक्टिविटी होती है। कोस्टल शिपिंग, कोस्टल शिपिंग इज अ कंफर्ट मेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन क्या होता है, जो इलाका समुद्र के साथ लगता है वो वाला, तो वहां से जैसे यूएसए, चाइना एंड इंडिया का जो कोस्टल एरिया है। शिंजेन स्टेट इन यूरोप आर मोस्ट सुटेबली प्लेस्ड फॉर कोस्टल शिपिंग के लिए, इन्हें सबसे बढ़िया माना जाता है। कनेक्टिंग वन मेंबर्स कोस्ट विद द अदर, और ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट को। इट प्रॉपरली डेवलप्ड कोस्टल शिपिंग रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन द लैंड रूट्स, और इससे क्या होता है, कोस्टल शिपिंग भी सस्ती पड़ती है और लैंड रूट भी क्या होता है, मंदा मतलब कि कम पड़ता है। शिपिंग कैनाल्स, द स्विज एंड द पेनामा कैनाल्स। स्विज कैनाल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट रूट प्रोवाइड कराती थी, 1869 में खोली थी। द स्विज एंड द पेनामा कैनाल्स आर टू वाइटल मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स, और ये किसके द्वारा बनवाई गई है, इंसानों के द्वारा, विच सर्व एज गेटवेज फॉर बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच के कनेक्टिविटी को, ये बहुत बड़े स्केल पे माल इधर से उधर आता जाता है। तो सबसे पहले हम स्विज कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, स्विज कैनाल अंग्रेजों ने इसलिए भी बनाई थी क्योंकि उनको ना पहले, जैसे इंडिया से, ये मान लो इंडिया है, तो जब यहां से इंडिया से माल ले जाना होता था तो पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, तो उन्होंने डायरेक्ट रूट बना दिया यहां से यहाँ के बीच में। इससे उन्हें फायदा था, एक तो उनका जो 5400 मील या फिर 7000 किलोमीटर के आसपास फालतू ट्रेवल करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, वो लागत बचेगी, बच रही थी उनकी, और टाइम कम लगता था और रिस्क भी कम था। द स्विज कैनाल, दिस कैनाल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन 17th नवंबर 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट साइड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट स्विज इन द साउथ लिंकिंग द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी को, ये क्या करती है, जोड़ती है स्विज कैनाल। इट प्रोवाइड्स अ न्यू गेटवे टू यूरोप इन द इंडियन ओशियन, मैंने आपको बताया भारत से वहां तक जाने के लिए नया रास्ता था। इट रिड्यूसिस सी रूट डिस्टेंस बिटवीन द लिवरपूल एंड कोलंबो
कंपेयर टू द केप ऑफ गोड होप रूट। मैंने आपको बताया ना, वो उधर से अफ्रीका पूरा घूम के जाना पड़ता था, तो वो अब ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। इट इज अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 to 15 मीटर डीप है ये। अबाउट 100 शिप ट्रेवल डेली। अभी इसमें ना एक केस भी हुआ था थोड़े दिन पहले, अगर आपको याद हो, वो जहाज स्विस कैनाल के अंदर ऐसे टेढ़ा फंस गया था। आप एक बार इसके बारे में सर्च कीजिएगा, तो हजारों मतलब करोड़ का नुकसान हुआ था इसकी वजह से, ऐसे टेढ़ा फंस गया था इसमें। अबाउट 100 शिप्स ट्रेवल डेली एंड ईच शिप टेक 10 to 12 आवर टू क्रॉस द कैनाल। 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। द टोल्स आर सो हैपी सम दैट सम गो बाय द लॉन्गर केप रूट वेन एवर द डिले इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अ रेलवे रन्स अलोंग विद द कैनाल, और इसके साथ एक रेलवे लाइन भी है, कैनाल टू स्विस एंड फ्रॉम इस्मालिया देयर इज अ ब्रांच लाइन टू द कैरो। ठीक है, अफ्रीका की बात कर रहा है। अ फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम द नाइल आल्सो, नाइल इज अ रिवर, आल्सो जॉइंस द स्विस कैनाल इन इस्मेलिया में, वो भी इसको जोड़ता है। इट सप्लाइज फ्रेश वाटर टू द पोर्ट साइड एंड स्विस को वो क्या देता है, साफ पानी देता है। अभी ये वाली हेडिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, इससे पहले एक हेडिंग है वो पढ़ लेते हैं। द पेनामा कैनाल, इट कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। ईस्ट से लेके वेस्ट तक पेनामा कैनाल जोड़ती है। ईस्ट में हमारा अटलांटिक ओशियन और वेस्ट में हमारा पैसिफिक ओशियन। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन बाय द यूएसए गवर्नमेंट। ठीक है, यूएसए गवर्नमेंट परचेज 8 किलोमीटर ऑफ एरिया ऑन आइदर साइड एंड नेम्ड इट एज कैनाल जोन। उन्होंने 8 किलोमीटर का इलाका खरीदा है, तो इसलिए इसका नाम उसको क्या कहा जाता है, कैनाल जोन। दिस कैनाल इज अबाउट 72 किलोमीटर की है ये कैनाल। इट इन्वॉल्व्स अ वेरी डीप कटिंग फॉर अ लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर। इट हैज अ 6 लॉक सिस्टम एंड शिप क्रॉस द डिफरेंट लेवल 26 मीटर अप एंड डाउन थ्रू दीज लॉक्स। देन इट एंटर्स इन टू द गल्फ ऑफ पेनामा में एंटर हो जाते हैं इसके जरिए। इट रिड्यूस 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम पड़ता है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच में, सी रूट को उसने कम कर दिया। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है क्योंकि अब लागत कम आएगी। ऑफ दिस कैनाल इज रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ द स्विस कैनाल, से क्या है, थोड़ी कम है। इनलैंड वाटरवेज, रिवर्स कैनाल्स लेक्स एंड कोस्टल एरियाज हैव बीन इम्पोर्टेंट वाटरवेज, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में और बल्कि और हैवी गुड्स ले जाए जा सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एंड पैसेंजर्स के लिए। बोट्स और इसका कार्गो होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना जो जहाज पे लदते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्गो। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंडेंट ऑन द नेविगेबिलिटी विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल, कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन द यूज। इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो इनलैंड वाटरवेज की गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है ना, और वहां पे किस तरह का सामान गुजर रहा है। वेरी हैवी कार्गो लाइक कोयल सीमेंट टिम्बर एंड मेटलिक ओर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज के जरिए। हम इसको कर सकते हैं देश के अंदर ही अगर हमें करना है ट्रांसपोर्ट। बट नाउ द वाटरवेज लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ कंपिटिशन, क्योंकि अब रेलवे के जरिए भी पड़ता है। मान लो उस इन देश के अंदर ही माल भेजना है तो रेलवे, क्योंकि रेलवे लाइन बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, लैको और हर जगह तो नदियां इतनी बड़ी अवेलेबल भी नहीं है। लैको वाटर ड्यू टू द डाइवर्जन फॉर इरीगेशन एंड देयर पुअर मेंटेनेंस की वजह से, पानी भी तो हर जगह नदी में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जहाज नहीं चलाए जा सकते। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर एज इनलैंड वाटर वेज फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड हैज बीन रिकॉग्नाइज थ्रू आउट द डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा, तो ये रिकॉग्नाइज की जाती है क्योंकि वहां पे ज्यादा जरूरत होती है और वो इस पे ध्यान भी देते हैं इसकी मेंटेनेंस पे। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन मैनी रिवर्स हैव बीन मॉडिफाइड टू इंक्रीज देयर नेविगेबिलिटी सुटेबल क्वालिटी फॉर द पासेज ऑफ द शिप बाय कंट्रोलिंग स्टेबलाइजिंग रिवर्स बैंक एंड बिल्डिंग डैम्स एंड बैरेज फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ये सब चीजें डेवलप्ड देशों ने इन नदियों पर बनाई है ताकि सुचारू रूप से व्यापार चलता रहे और पैसेंजर की आवागमन भी यहां से हो सके। द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज आर सम ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्टेंट हाईवेज ऑफ
कॉमर्स और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये रास्ते हैं जहां से दुनिया भर के देशों का माल मतलब कि आता जाता है। देश अपने इनलैंड वाटरवेज भी डेवलप करते हैं ताकि वो सी जहां से उन तक उनके पोर्ट्स हैं वहां तक वो आसानी से अपने सामान को पहुंचा सकें बड़ी क्वांटिटी में। दरियाइन वाटरवेज, दरियाइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नेदरलैंड के बीच में फ्लो करती है। इट्स लेंथ इज और कितनी है इसकी लंबाई 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडैम एंड एट इट्स माउथ एंड इन द नीदरलैंड टू द बेसेल इन द स्विट्जरलैंड। ये याद रखने की चीज है। द रूर रिवर ज्वाइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट से इसको ज्वाइन करती है रूर नदी। इट फ्लोज थ्रू आर रिच कॉयल फील्ड एंड द होल बेसिन हैज बिकम अ प्रोस्पर्स मैन्युफैक्चरिंग एरिया। और इसी की वजह से क्या है वो पूरा इलाका बहुत मतलब संपन्न मैन्युफैक्चरिंग एरिया बन गया क्योंकि देखो इजीली अवेलेबल है जहाज तो माल की आवाजाही की जा सकती है। द वाटरवेज इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैविली यूज और इसका मतलब कि बड़े स्केल पे बहुत बड़े स्केल पे यूज भी किया जाता है। ईच ईयर 20,000 ओशियंस गोइंग शिप्स एंड 2 लाख इनलैंड वेसल मतलब जहाज जो देश के अंदर ही चलते हैं एक्सचेंज देयर गुड्स इस रास्ते से एक्सचेंज करते हैं। इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड जर्मनी फ्रांस बेल्जियम एंड द नीदरलैंड विद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। इसको ये इन इलाकों से जोड़ता है। द डेन्यूब वाटरवेज, द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज प्रोवाइड सर्विसेज टू ईस्टर्न यूरोप को भी सर्विसेज देता है। द डेन्यूब रिवर राइजेज इन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू मैनी कंट्रीज से बहती हुई जाती है। द मेन एक्सपोर्ट आइटम्स आर और क्या क्या एक्सपोर्ट होता है आमतौर पर इस मतलब वाटरवेज के जरिए जहाजों में वीट मेज टिम्बर एंड मशीनरी। द वोल्गा वाटरवेज, अब ये याद रखिये कहां से बहता है। रशिया हैज लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच द वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये रशिया के अंदर है और रशिया के पास बहुत सारे डेवलप्ड वाटरवेज हैं जिसमें से एक ये भी है। इट्स लेंथ इज 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन इन टू द कैस्पियन सी में जाके मिलता है। द वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट्स इट विद द मॉस्को रीजन से इसको जोड़ती है। द वोल्गा डोन कैनाल कनेक्ट्स विद द ब्लैक सी और वोल्गा मॉस्को कैनाल मॉस्को से जोड़ती है इसको और वोल्गा डेन कैनाल इसको ब्लैक सी से जोड़ती है। द ग्रेट लेक एस्टी लॉरेंस सीवे, द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सुपीरियर होरोन एरे एंड ओंटेरियो इज कनेक्टेड बाय, ये याद रखिएगा तीनों लेक के नाम आप, सू कैनाल एंड वी लैंड कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, ये आपस में जुड़ते हैं ताकि वो इनलैंड वाटरवेज बना सके। एस्टी लॉरेंस ओरिजिनेट फ्रॉम ओंटेरियो ड्रेनिंग इन टू द गल्फ ऑफ संत लॉरेंस द लार्जेस्ट इस्ट्रे इन द वर्ल्ड और ये सबसे बड़ा मतलब की खाड़ी बनाती है जैसे इंडिया के अंदर भी है ना बंगाल की खाड़ी उसी तरह की। द इस्ट्रे ऑफ संत लॉरेंस रिवर अलोंग द ग्रेट लेक फॉर्म अ यूनिक कमर्शियल वाटरवेज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के इलाके में ये एक अलग तरह का खाड़ी बनाती है। लार्ज ओशियन गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेट अप द रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट टू मॉनिट्रियल। ठीक है, बट इन मॉनिट्रियल गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड टू स्मॉलर वेसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रैपिड। उन्हें छोटे स्केल में यहां से मतलब की ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। द मिसिपी वाटरवेज, द मिसिपी ओयो वाटरवेज कनेक्ट्स टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए विद द गल्फ ऑफ मेक्सिको इन द साउथ। साउथ में मेक्सिको तक इसको जोड़ता है। लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट, बड़े जहाज यहां से गुजर सकते हैं अप टू द मिनीपोलिस तक। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन, सबसे तेज है पर यह बहुत महंगा भी है। एज इट इज द फास्ट प्रिफेयर बाय पैसेंजर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पैसेंजर इसका यूज करते हैं जैसे इंडिया से अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव्ड रैपिडली इन द वर्ल्ड, जो कीमती सामान है वो इधर से उधर आसानी से मतलब घूम सकते हैं और तेजी से जा सकता है जहाज के जरिए तो माल जल्दी पहुंचेगा। इन द हिमालयन रीजन द रूट आर ऑफन ब्लॉक ड्यू टू द लैंड स्लाइड, कई बार हिमालय रीजन में वो बंद रहता है ना तो पहाड़ों से क्योंकि बर्फ गिरती है या हैवी स्नोफॉल होता है तो हम एयर के जरिए वहां से सामान भेज सकते हैं। एट दिस टाइम एयर ट्रेवल इज द ओनली अल्टरनेटिव टू रीच अ प्लेस।
क्योंकि जहाज के जरिए तो आसानी से माल पहुंचाया जा सकता है। द एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से फैल भी रहा है एयरवेज, क्योंकि चीप है। एक तो ये क्या लगता है, कम टाइम लगता है इसमें, और जैसे जैसे ये फैलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो चीपनेस भी आएगी इसमें। और डोमेस्टिक फ्लाइट भी बहुत सारी चल रही है इंडिया के अंदर। तो अब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड देयर ऑपरेशन रिक्वायर्ड हैंगर्स। हैंगर्स क्या होते हैं, जहां पे विमान खड़े होते हैं। लैंडिंग, फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर द एयरक्राफ्ट, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 आवर्स अवे। कहीं से मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाने में दुनिया में 35 घंटे से ज्यादा नहीं लगता इसके बदौलत, एयरप्लेन्स के जरिए। ट्रेवल बाय एयर कैन गो बाय बी मेजर्ड बाय हावर्स एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ ईयर्स और मंथ्स की जगह महीने घंटों में पहुंच जाते हैं। पहले कहाँ साल लग जाते थे या महीने लगते थे। फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज लाइक यूके कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट, यूएसए पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल, ये सब चीजें हैं एविएशन ईटीसी जो डेवलप की हुई दुनिया में। टुडे मोर देन 350 कमर्शियल एयरलाइंस दुनिया में काम कर रही हैं। देखो 350 से ज्यादा एयरलाइंस। मेन डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इज सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इसमें सबसे बढ़िया है। कवर द डिस्टेंस बिटवीन द लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3 घंटे में। देखो कितना बड़ा ये डिस्टेंस, सुपरसोनिक बहुत तेज चलते हैं जहाज। इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ डिफरेंट ईस्ट एंड वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट में फर्क है। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यूएसए में, तो मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे है ये, और यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा। यूएसए अलाउन अकाउंट फॉर 60% ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए में बताओ। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एमस्टरडेम, फ्रेंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड शिकागो आर द नोडल पॉइंट्स वेयर एयर रूट्स कवरेज और रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट। इन इलाकों से मतलब पूरी दुनिया में सभी कॉन्टिनेंट्स में जहाज जाते हैं। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट्स ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज। ठीक है, इन इलाकों में एयर सर्विसेज थोड़ी कम है, अफ्रीका में होगी या तो कुछ रशिया के कुछ इलाकों में या साउथ अमेरिका में। देयर आर लिमिटेड एयर सर्विसेज, इन इलाकों में लिमिटेड एयर सर्विसेज है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द लेस पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या कम है, लिमिटेड लैंड मास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है, इसलिए तो यहाँ पे एयरवेज कम डेवलप्ड है। पाइपलाइंस, ये हाल फिलहाल में ही चला है ट्रांसपोर्ट का जरिया। पाइपलाइन आर यूज मेनली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैस सच एज वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्योंकि अगर हम उसके ट्रक के जरिए भेजे तो बहुत टाइम भी लगता है और बड़ी क्वांटिटी में जा सकता है, और फिर ट्रैफिक्स भी हैं, कॉस्ट भी आती है, ये सस्ता पड़ता है। वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज कॉमन टू ऑल, पाइपलाइन के जरिए पानी आता है ना घरों में। कुकिंग गैस एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हैं कुकिंग गैस घर में पाइप्स के जरिए ही लगी हुई होती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विडफाइड कोयल को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इन न्यूजीलैंड मिल्क भी, यहाँ न्यूजीलैंड में तो दूध भी इसके जरिए सप्लाई किया जाता है फैक्ट्रीज से। इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज, जहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहां जहां तक कंज्यूम हो रहे हैं वहां तक बहुत बड़े स्केल पे पाइपलाइंस मतलब फैली हुई हैं और पहुंचाया जाता है इनसे। एग्जांपल बिग इंच फेमस पाइपलाइन, इट कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मेक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अमेरिका में ये पहुंचाती है। बिग इंच कंपनी का नाम है। इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया, इंडिया के अंदर भी अब धीरे धीरे डेवलप होने लग रही है। पाइपलाइंस आर यूज टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज टू पोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट से जोड़ते हैं, इसलिए बिछाई जाती हैं। तुर्मेकिस्तान इज द सेंट्रल एशिया हैज एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान एंड आल्सो पार्ट ऑफ चाइना तक, इसने तुर्मेकिस्तान ने फैलाई है अपनी पाइपलाइंस। और ग्वादर पोर्ट, आप इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडिया ने ग्वादर पोर्ट बनाया, ठीक है ना, चाबहार बंदरगाह वो चीज। द प्रपोज्ड ईरान इंडिया वाई पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन विल बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ईरान से इंडिया के बीच में जो पाकिस्तान के होते हुए आ रही है, ठीक है, इसको चाबहार बंदरगाह बोलते हैं, तो उसके जरिए वो पाइपलाइन आ रही है। कम्युनिकेशन,
ह्यूमन बीइंग हैव यूज डिफरेंट मेथड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे टेलीग्राफ और टेलीफोन चलते थे, अब तो व्हाट्सअप से हैं ये सब चीजें अवेलेबल हैं। इवन टूडे द टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन यूज, आज भी हमें किसी से बात करनी हो तो फोन ही मिलाते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज द यूएस ऑफ सेलफोन्स मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, गाँव में भी हम इजिली इससे कनेक्ट हो सकते हैं। अमेरिका की बात करें, अगर हम सैटेलाइट सिस्टम इतना बढ़िया है कि रूरल कनेक्टिविटी भी अच्छी है वहां पे। टूडे डेवलपमेंट इज मूविंग ऑन वेरी फास्ट, डेवलपमेंट तेजी से फैल रहा है दुनिया में। लाइक द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल आ गया, अब तो ब्रॉडबैंड में ऑप्टिक फाइबर चलते हैं ना, देखा होगा आपने जो, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है तो उसमें देखिएगा, तो उससे पूछेगा अपने जिसने लगाया है, जो भी आपका मतलब कि इसका सेलर है, तो वो बताएगा ऑप्टिक फाइबर आज के दौर में इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ड्यू टू कंपोजिशन टेलीफोन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सून अपग्रेडेड देयर कॉपर केबल सिस्टम थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम पे, वो अपने आप को शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और रिलायबल भी है। दीज अलाउज लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली, बहुत तेजी से डाटा इधर से उधर भेजा जा सकता है, सिक्योरली भी, एंड आर वर्चुअली एरर फ्री, और इसमें दिक्कत भी नहीं आती। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट, जानते हैं इंटरनेट के जरिए बहुत बड़े स्केल पे कम्युनिकेट करते हैं लोग एक दूसरे से। 1000 मिलियन पीपल इज मोर देन 100 कंट्रीज में इंटरनेट का यूज करते हैं। विद द यूज ऑफ सैटेलाइट सीन्स द 1970s आफ्टर यूज एंड फॉर्मर यूएसएसआर पेनर्ड स्पेस रिसर्च के बाद ये ज्यादा तेजी से फैला है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सक्सेसफुली यूज्ड इन द अर्थ ऑर्बिट टू कनेक्ट रिमोट टेस्ट एरियाज ऑफ द ग्लोब, मतलब कि जो गांव या दूर दराज के इलाके हैं उन्हें भी हम सैटेलाइट के जरिए जोड़ सकते हैं। इट कॉस्ट द सेम टू द कम्युनिकेट ओवर 1500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर पे भी वही लागत लगती है, 500 किलोमीटर पे भी। अब अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ तो चाहे 500 किलोमीटर पे भेज दे चाहे 5000 किलोमीटर पे भेज दे, एक ही बात है क्योंकि क्या लगता है वही इंटरनेट। इंडिया इज ऑल्सो मेड ग्रेट अचीवमेंट इन सैटेलाइट डेवलपमेंट में, हमने भी बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975, भास्करा वन इन 1979 एंड रोहिणी इन 1980s, हमारी भी सैटेलाइट्स ये लॉन्च हुई थी। टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविजन इज अ बून, और आप जानते हैं आज वेदर फोरकास्टिंग भी हम टीवी पे कर देते हैं इसके जरिए। साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस, ठीक है, इट इज कवर्ड विद द इंटरनेट सच एज वर्ल्ड वाइड वेब की तरह ही ये कवर्ड है। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेटिंग और एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर्स नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है ना, इधर उधर जाए भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं इजिली अपनी जानकारी को इधर से उधर भेज सकते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द इंटरनेट, इसे हम इंटरनेट भी बोलते हैं। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर लाइक इन ऑफिस, आप हर जगह देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन, सेलिंग बोर्ड, फ्लाइंग प्लेन्स, इवन फोन में भी अपने। द इंटरनेट यूजर्स आर इंक्रीजिंग इन द मिलियंस एवरी ईयर, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इंटरनेट यूजर्स, क्योंकि देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा चीजें अपने आप ग्रोथ करेंगी, या क्योंकि ह्यूमन नीड्स बढ़ती हैं डेवलपमेंट के साथ साथ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में बेसिकली क्या था कि जो चीजें याद करने की हैं, सी रूट्स हैं या अपना कनेक्टिविटी जो भी है, इतने सारे नाम थे, वो तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो आप उन्हें कोशिश कीजिएगा लिख कर याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और खूब नाम कमाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।